व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं नारी मन की छोटी बड़ी संवेदनाओं को शब्दों में पिरोने वाली एक लेखनी की, जिसने रचा कहानियों का अनोखा संसार। उस लेखनी की स्वामिनी है गौरा पंत शिवानी। हिंदी साहित्य में कहानी को केंद्रीय विधा के रूप में विकसित करने में शिवानी का अमूल्य योगदान रहा है। उनकी कहानियों में कभी हंसी की फुलझड़ियां होती हैं, तो कभी आंखें स्वतः नम हो जाती हैं। मित्र कहानी में वो कहती हैं, मित्र के जाते ही बड़ी धूमधाम से गृहस्थी का गणतंत्र दिवस मनाया गया। दीवारों पर फिर रोल नंबर और दूध का हिसाब लिखा जाने लगा। राधा ने फटी साड़ियां ली, कामेश्वर ने कच्छे का कौपीन धारण कर फिर गृहस्थी से वैराग्य लिया। नया टी शर्ट ताले में बंद हो गया। रंग बिरंगे टूटे प्यालों में चाय की अमृत वर्षा करने शूर्पनखा की नाक की सी टूटी धारणी पुरानी केतली एक बार फिर आ गई। घर की बनावटी आडंबर की केतली को उतार कर एक खूंटी पर लटका दिया गया। कभी कभी राघव चाचा की बातें होती तो राधा अपने दिए गए रुपयों का उल्लेख अवश्य कर लेती। वहीं कहानी भीलनी में अचानक आंखें नम हो जाती हैं सुहासिनी की व्यथा कथा सुनते सुनते। मैंने देखा दिद्दा अब स्पष्ट स्वर में कह रही थी, मेरे पति की बाहों में एक अर्ध नग्न काली कलूटी भीलनी पड़ी सो रही है। मैं क्रोध से एक क्षण को विवेक खो बैठी, भागकर भरी रिवॉल्वर निकाली। मारना चाहा था भीलनी सौत को, पर निशाना चूक गया अंकल। आई वॉज ऑलवेज अ पुअर शॉट, मैं पक्की निशानेबाज कभी नहीं रही। दिद्दा के उस मृत्यु विकृत व्यंग्य की तिर्यक हंसी का चाबुक सीधे मेरे चेहरे पर पड़ा। एक पल को हम दोनों बहनों की आंखें चार हुई और मैंने छलछलाई आंखें फेर ली। 17 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन गुजरात राजकोट में जन्मी शिवानी का बचपन अधिकतर पहाड़ों में गुजरा। किशोरावस्था शांति निकेतन में बीती और शादी के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में रही। माता पिता से विरासत में साहित्य और संगीत के प्रति रुझान मिला। उनके दादा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। महामना मदन मोहन मालवीय से उनकी गहरी मित्रता थी। वे प्रायः अल्मोड़ा और बनारस में रहते। उनकी छत्र छाया में शिवानी भी अपने भाई बहनों के साथ रही। शिवानी की पहली रचना अल्मोड़ा से निकलने वाली बाल पत्रिका नटखट में छपी थी। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल की थी। आश्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का मार्गदर्शन मिला, जिन्होंने शिवानी को मातृभाषा में लिखने की सलाह दी। शिवानी ने हिंदी में लिखना शुरू किया। 1951 में उनकी लघु रचना मैं मुर्गा हूँ धर्मयुग में प्रकाशित हुई। इसके बाद उनकी कहानी छपी लाल हवेली और तब से अनवरत चलती रही उनकी लेखनी। शिवानी की रोचक भाषा शैली पाठकों को सम्मोहित करते हुए कथाओं के ऐसे संसार में ले जाती है जहां कृष्ण कली और उसके अबोध शिशु की निर्हिता से आंखें नम हो जाती हैं। बाहर से आत्मतुष्ट संयमी और आत्मविश्वासी दिखती चंपा के अभिशप्त जीवन की वेदना झकझोर देती है। आर्थिक अभाव और पारिवारिक तनाव से जूझती कुमुद का एकाकीपन और लाचारी पाठक हृदय से महसूस करते हैं। सुरंगमा का संघर्ष हो या भैरवी की नायिका चंदन की छटपटाहट, शिवानी के पात्रों की व्यथा पाठकों को अपनी कथा सी लगती है। शिवानी ने ये अद्भुत संसार उस समय रचा जब टीवी धारावाहिकों का कहीं पता नहीं था, लेकिन धारावाहिक रूप में छपते 14 फेरे इतना लोकप्रिय हुआ कि शिवानी को रोज हजारों पत्र मिलते। किसी में नायिका अहिल्या के जीवन को दुखों से बचाने का अनुरोध होता तो कोई 14 फेरे के किसी पात्र के बारे में पूछता, कहीं फला पात्र तो वो व्यक्ति नहीं। शिवानी के पात्र जितने सजीव लगे उनका कथ्य उतना ही चित्रात्मक रहा। उनकी अंतिम दो रचनाएं हैं सुनहुतात यह अखत कहानी और सोने दे, जो आत्मवृत्तात्मक आख्यान हैं। उपन्यास, कहानी, व्यक्ति चित्र, बाल उपन्यास और संस्मरणों के अलावा उन्होंने समाचार पत्रों में चर्चित स्तंभ भी लिखे। कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतों वाली, चल खुसरो घर आपने, शमशान चंपा, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा, विषकन्या, रति विलाप, अमादेर शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन, जालक यात्रा वृत्तांत, चरैवती, यात्रिक आदि उनकी
बहुत ही लोकप्रिय रचनाएं हैं। 21 मार्च 2003 को कलम की इस साधिका ने सदैव के लिए आंखें मूंद ली। उनकी स्मृति को समर्पित है उन्हीं की कहानी मरण सागर पारे की ये अंतिम पंक्तियाँ। पर कैसे भाग्यवती जननी ने आंखें मूंदी थी, जिसकी मृत्यु ने केवल उसी के पुत्र पुत्रियों को अनाथ नहीं किया, अनाथ किया उन 19 संतानों को जिन्होंने अपनी जननी खोकर उस वात्सल्यमयी उदार नारी की गोद में खोई माँ का वात्सल्य पाया था। शायद ऐसे ही अमर प्राणों के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। मरण सागर पारे तुमार अमर तुमा देर स्मरी, मरण सागर के पार भी तुम अमर हो, हम तुम्हारा स्मरण करते हैं। जाने अनजाने श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अभी तक YouTube चैनल व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देखते रहिए व्हाइट इंक एंटरटेनमेंट।